अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान। आज हम जिस टॉपिक पे बोलने के लिए बैठे हैं वो जो हमारा गुज़िश्ता टॉपिक था उसी से रिलेटेड है। हमारा गुज़िश्ता टॉपिक था आया सूफिया मस्जिद जो तुर्की में थी उसके मुतल्लिक था, तो आज उसी को आगे थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कल वहाँ पे इफ्तिताह हो गया उसका, कल का जुम्मा अदा हुआ, पूरी दुनिया से हफ्ता कबल लोग वहाँ पे आना शुरू हो गए थे और इस इंतज़ार में थे कि कब जुम्मा होगा और हम जुमे की नमाज़ वहाँ पे अदा करेंगे। नाज़रीन, पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया इस चीज़ को कि वहाँ पे कल जुमे की नमाज़ अदा की गई, और जब दुआ हुई दुआ से कबल वहाँ के सदर तैयब उर्दगान ने तिलावत की, और मेरा ख़्याल में ये वह दुनिया के हुक्मरान हैं अभी जो हाफिज़े कुरान हैं, और उनकी कुरान की तिलावत एक कारी वो कि जो कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ना जानता हो उससे कम नहीं थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने तिलावत की और मजमा बहुत बड़ा मजमा था, पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ से मुमकिन हो सका मुसलमान वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद दुआ हुई, दुआ हो के एक नई तारीख रकम होना शुरू हो गई। 86 साल कबल जो काम ख़त्म हुआ था वो आज दोबारा शुरू हो गया, और जबकि तैयब उर्दगान अपनी बहुत सारी तकारीर में ये चीज़ कह भी चुके हैं कि हमारा मकसद अगला जो हमारा अगला हमारा जो पॉइंट है या जो अगला हमारा हदफ है वो मस्जिद अक्सा है, और जिस पे बहुत सारी दुनिया के जो कुफर है उसको बहुत तकलीफ़ हुई, जिस पे हमारे एक मशहूर एक चैनल है और जिसको बरतानिया से कंट्रोल किया जाता है बीबीसी के नाम से, उन्होंने इस पे बड़ा इश्तियाल अंगेज़ वो भी शुरू कर दिया, प्रोपगंडा शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब को उसके ख़िलाफ़ भड़काने के लिए, या 1818 में जो उधर शाह अब्दुल अज़ीज़ जो थे इनके जो ख़ानदान के जो बादशाह थे उनको कत्ल किया गया, इन वाक़ात को नए तरीके से ला के एक नया इंतशार पैदा करने की कोशिश की। ये मीडिया पे ये ख़बरें भी चल रही हैं और बहुत सारी ऐसी ख़बरें चल रही हैं। वैसे भी सऊदी अरब और जो तुर्की हैं ये आपस में एक दूसरे के अपोज़िट हैं, वह और इस चीज़ से नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने इस प्रोपोगंडे को भी शुरू कर दिया। बहरहाल एक बात, एक चीज़ पे हम सब का यकीन है, इंशाल्लाह जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो हम चाहते हैं जब वो दुनिया वाले चाहते हैं वो नहीं होता। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब इस बात पे पुर उम्मीद हैं और उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह हमारा अगला हदफ या हमारी अगली जो मंजिल होगी वो मस्जिद अक्सा होगी। तो इस तरह इंशाल्लाह पूरी दुनिया पे मुसलमान एक ना एक दिन ज़रूर छा जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।